नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनके द्वारा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। आज जो वीडियो बनाए उन पे भी पूछा, कल जो बना रहे थे उन पे भी पूछे हैं कि सर ये एग्ज़ाम आगे होगा क्या, और इस चीज़ को लेकर के कि हमारा ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, हम सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, और चूँकि मैंने इस पॉइंट को पहले भी मेरे कई वीडियो में क्लियर किया है, बोला भी है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है इस तरह के जो कमेंट है वो बढ़ते भी जा रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो गया है कि मैं इस टॉपिक पे आपको फिर से कुछ कहूँ अलग से वीडियो बना करके। तो आपके लिए ये वीडियो है, इसको पूरा सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कहें कि किन विद्यार्थियों के द्वारा इसका विरोध हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो जिनकी स्थानीय निकाय में जो चुनाव है इनमें ड्यूटी है, और जो एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं तो उन विद्यार्थियों के द्वारा जो है इस चीज़ में आ रहा है कि हमें इसका समय नहीं मिला, या 3 जनवरी को एग्ज़ाम होता है तो जो फाइनल के विद्यार्थी होंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें जिस दिन तक एग्ज़ाम होता है उस दिन तक आपके पास में वो योग्यता होनी चाहिए। तो इन विद्यार्थियों के द्वारा इस चीज़ का जो है वो विरोध है। अब दोस्तों इस चीज़ को लेकर के जो है काफ़ी पोस्ट शेयर की जा रही है कि ये एग्ज़ाम स्थगित होगा या काफ़ी संभावनाएँ हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एग्ज़ाम अब तक 2 बार स्थगित हो चुका है, और दोनों ही बार इसमें आरपीएससी का कोई फॉल्ट नहीं रहा। अभी जो जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है, जैसे जिन विद्यार्थियों की ड्यूटी वगैरह है चुनाव में, वही स्थिति सेम 1 साल पहले विधानसभा चुनाव में थी, यही मंच चल रहा था, इसी प्रकार की सेम यही कंडीशन थी, यही परिस्थितियाँ थी। उस टाइम पहली बार ये एग्ज़ाम स्थगित हुआ, जनवरी में एग्ज़ाम था इसका, और दोबारा ये जो EWS और उसके कारण जो है ये एग्ज़ाम स्थगित हुआ। अब तीसरी बार RPSC ने जब ये टाइम टेबल जारी किया है तो जिस दिन अभी इसकी वैकेंसी आई थी, जब दोबारा फॉर्म इसके ओपन हुए, उस समय भी मैंने आपको एक बात कही थी कि RPSC की अब सबसे पहली कोशिश यही रहेगी कि 2 बार ये जो एग्ज़ाम स्थगित हुआ है इसको हम फटाफट समय से करवाएँ। और उसके बाद एक वीडियो और बनाया जिसमें आपको बताया कि कब हो सकता है फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम, उसमें भी आपको यही पॉइंट बताया कि दिसंबर लास्ट में सबसे ज़्यादा चांस है, और अगर उसमें नहीं हुआ तो कोई 1-1.5 महीना आगे हो सकता है। जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर इन्होंने टाइम टेबल पूरा सेट करके और पूरा बना के दिया है, 3 जनवरी से 13 जनवरी। तो दोस्तों एक बहुत सोच समझ के ये बनाया गया है टाइम टेबल कि 3 जनवरी से 13 जनवरी तक हम हमारा जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकें। तो आपको मैं फिर से इसमें बता दूं कि आगे होने की इसमें संभावना नहीं है, कोई आमूल चूल पता नहीं क्या परिवर्तन हो जाए या कौन सा सरकार का आदेश हो या क्या चाहे, वो एक बहुत दूसरी चीज़ होती है अलग, लेकिन जिस तरह से अभी जो चीज़ें हैं उसको देखते हुए ये एग्ज़ाम आगे नहीं होगा। मैं फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्ज़ाम आगे होने की कोई संभावना नहीं है। कोई जब तक राजनीति कोई हस्तक्षेप जैसी या कोई एक वैसी बात नहीं हो, और दूसरी बात यह है कि आरपीएससी की भी एक साख है, 2 बार एग्जाम स्थगित हो गया, अब तीसरी बार फिर ये अगर इस तरह से होता है तो एक साख को भी बहुत बड़ा होता है कि आरपीएससी का एग्ज़ाम है ये क्या है कि बार बार ये पोस्टपोन पर पोस्टपोन हुआ जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, और ये एग्ज़ाम 3 जनवरी से ही आपको मान के चलना है 100%, क्योंकि आरपीएससी ने अपना काम कर दिया, उन्होंने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है, तो उनका फिक्स है 3 जनवरी से एग्जाम। अब इन चीज़ों पे अगर आप अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं तो आप मान के चलिए आप सिलेक्शन से उतने ही दूर हो रहे हैं। ये लाइन भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बार बार इन चीज़ों में अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं तो आप सिलेक्शन से उतना ही दूर हो रहे हैं। आरपीएससी अपना टाइम टेबल जारी कर चुकी है 3 जनवरी से, बात खत्म। अब तो आपको जो है वो अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू बना के रखनी चाहिए और 100% करनी चाहिए, इसमें तो 1 सेकंड के लिए भी ख्याल नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम आगे है या नहीं है। जो विद्यार्थी इतने समय से तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी बात तो आपको मन में लानी नहीं चाहिए, और अगर लाते हैं तो फिर देखिए उसका नुकसान निश्चित रूप से, आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई से हटता है।
तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी को धुआंधार तरीके से करते रहिए, लगातार बार बार ये सोचिए कि मेरा कौन सा टॉपिक छूट रहा है, मेरा कौन सा नहीं रहा। इस तरह की बातों की टेंशन होनी चाहिए, ना कि इस चीज़ की कि एग्जाम का क्या है। आपको जो टेंशन इस समय होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मेरा सिलेबस में कौन सा टॉपिक छूट रहा है। इतना बड़ा सिलेबस है, जो फर्स्ट पेपर है इसी में लगभग 12 सब्जेक्ट हैं, सेकंड पेपर ऑप्शनल है वो तो है ही पूरा बड़ा, 30 क्वेश्चन वो साइकोलॉजी से संबंधित हैं। तो इतना आपके पास कंटेंट है, इतना मैटर है पढ़ने के लिए, उसकी टेंशन करें कि ये हम पूरा कैसे करें, ना कि इस चीज़ की कि ये एग्ज़ाम वो पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों पूरी तरह से अपने आप को एक जगह माइंड सेट करें और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहें। अगर इस तरह की कोई चीज़ भविष्य में होगी तो वो आपके सामने होगी, तो जो अब तक नहीं हुआ है उसके बारे में नहीं सोचना है। संभावनाएं तो जो है वो संभावनाएं होती है, अब उसके बारे में बिल्कुल भी जो है अपना ध्यान नहीं लगाएं और कंटिन्यू तैयारी करते रहें। और आज जो है दो वीडियो अपलोड किए हैं, एक तो मैनेजमेंट से संबंधित है और दूसरा साइकोलॉजी संबंधित है, जिसमें आपको ये बताया है कि इस समय कौन सी आपको उसमें लापरवाही नहीं करनी है या उसे हल्के में नहीं लेना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, कौन से करने हैं, उनके बारे में बताए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।